पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आई सीमा ने कानूनी जंग भले ही न जीती हो, लेकिन लोगों का दिल जीतने में सीमा हैदर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीमा इतनी फेमस हो चुकी है कि उसके इंटरव्यू पर इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इन दिनों सीमा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं नजर आ रही। भले ही सीमा का लुक गांव की किसी औरत जैसा हो, लेकिन सीमा की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। सीमा के बोलने का अंदाज हो या स्माइल, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है। नोएडा के सचिन मीणा और सीमा हैदर की लव स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दूर से लोग इस पाकिस्तानी बहू को देखने पहुंच रहे हैं। इस पॉपुलर जोड़ी को हाल ही में फिल्म भी ऑफर किया गया था। अब सीमा और सचिन पर फिल्म बनने जा रही है। जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं। गदर की तर्ज पर सीमा सचिन पर फिल्म बनाई जाएगी। फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा। फिल्म का नाम अनाउंस करने के बाद अमित जानी अगले ही हफ्ते कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग भी लॉन्च करेंगे। अमित जानी ने सीमा को ही फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है और सीमा ने ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। टीम ने सीमा का ऑडिशन भी लिया है। अमित जानी राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर भी फिल्म बना रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है ए टेलर मर्डर स्टोरी। इस फिल्म में सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाती दिखेंगी। वहीं सीमा हैदर का कहना है कि वो फिल्म में काम करना चाहती हैं। उन्हें केवल यूपी एटीएस की ओर से क्लीन चिट का इंतजार है। दूसरी ओर अमित जानी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम और मोनू मानेसर ने उन्हें धमकी दी है और सीमा हैदर को फिल्म में लेने पर अंजाम भुगतने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है।